हेलो बच्चों, तो मैं हूँ अपने कोचिंग की छत पर और यहाँ पर मैं सो जाता हूँ कभी कभी जब मैं रुकता हूँ रात को। और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको छोटी सी अपडेट देने के लिए CBSE रिजल्ट के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं थोड़े व्लॉग भी होते हैं। वो मकान जो आप देख रहे हो, जो छोटा सा बना हुआ है, एक मिनट, ये वाला यहाँ पहले मैं पढ़ाता था रेंट पर जब मैं आया था गाज़ियाबाद में। और मतलब आया था क्या, यहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तो मैंने उसी एक 5000 के किराए से शुरू किया था पर मंथ। उसमें दो कमरे थे वहाँ पर मैंने, और बाद में फिर हमने कोचिंग अपनी बनाई जो कि आप देख सकते हैं। ये छत है एक्चुअल में, यहाँ मैं कभी भी बैठ जाता हूँ जब मेरा मन हवा खाने का करता है। और फिलहाल मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छी अपडेट। कि अपडेट ये है बच्चों कि जो CBSE के रिजल्ट की बात है, तो आज फिर मैंने देखा कि कुछ पोर्टल्स और कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसी वीडियो बना रहे हैं और ऐसे न्यूज़ दे रहे हैं कि रिज़ल्ट 13 तारीख को आएगा 10th का और 15 तारीख को आएगा 12th का। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच नहीं है। CBSE का रिज़ल्ट का कोई अपडेट नहीं है अभी तक, CBSE ने कुछ नहीं बोला है। और उम्मीद यही है कि CBSE का रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट में आएगा, क्योंकि अभी मैंने भी पता किया है तो अभी भाई कुछ भी तैयारी नहीं हुई इतनी ज़्यादा कि रिज़ल्ट 13 तारीख को दिया जा सके। हो सकता है आ जाए, मैं नहीं कहता, बट पैनिक ना हो, मतलब ज़्यादा टेंशन ना लें, पैनिक ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस यही कहना था। और तैयारी करते रहिए अपने आगे की, पढ़ाई करते रहिए, कोई डरने की बात नहीं है। ये मैं गाज़ियाबाद दिखा रहा हूँ आपको, पूरा दृश्य, वो मेट्रो स्टेशन है सामने ही और सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। बाय बाय।